मिल गई हमको तो, हमको तो कोर्ट में कहा गया कि मंडे, जज ने कहा, मुझे नहीं पता है। राखी सावंत के पति आदिल को मिली जमानत। आदिल के जमानत पर राखी सावंत ने कहा कि उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा उनके केस पर सोमवार को सुनवाई होगी, लेकिन आदिल के वकील ने ऐसा क्या दाव पेच खेला कि आदिल को आज ही जमानत मिल गई। इस पर क्या कुछ कहा राखी ने, चलिए सुनते हैं। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे अंधेरी कोर्ट जाना है अर्जेंटली। मैं सब बताऊंगी। आदिल को बेल मिल गई, ये भी कहा जा रहा है कुछ बोलना। मिल गई? ऐसा कैसे मिल गई है? मिल गई है हमको तो, हमको तो कोर्ट में कहा गया कि मंडे, जज ने कहा था, लॉयर ने भी कहा था मंडे। अभी अर्जेंटली ऐसा उसने क्या किया जो उसे बेल मिल गई, तो मुझे नहीं पता है। मैं जा रही हूँ। मिल गई, मुझे नहीं पता। एक मिनट, कहाँ है कार, कहाँ है? कलेजा कट रहा है मेरा, मेरा कलेजा कट रहा है, खून के आंसू निकल रहे हैं। कल रात को आदिल के एडवोकेट ने अपने फोन से ओशीवारा पुलिस स्टेशन से, कस्टडी में थे तो तनु से बात कराई। तनु ने बोला है कि आदिल जल्दी छुट के आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर ये दोनों शादी करेंगे। मुझे डाइवोर्स दिए बगैर शादी करेंगे? क्या आप डाइवोर्स देंगी? उन्होंने पहले भी डाइवोर्स के पेपर है मेरे पास, पहली शादी, आदिल के पहली शादी के, जो जब वो 27 साल के थे तभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए शादी के, डाइवोर्स लिया था। और आपने भी देखे डॉक्यूमेंट्स? मैं अभी नहीं दूंगी, मैं वक्त पे सब शादी के, मेरे को तो सुनते ही चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। हौसला रखिए, रखिए सब कुछ सही होगा। मगर कोर्ट में इस समय आपके सपोर्ट में सिर्फ राश्री खड़ी है, तो आपका मेरे सपोर्ट में सिर्फ राश्री नहीं, मतलब आपके क्लोज फ्रेंड में मेरी सपोर्ट में संगीतार राश्री, वाहिद भाई, जावेद भाई, भूपी जी, देश की जनता वो बाहर निकल के शादी करने वाले हैं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। चक्कर तुम आओ आओ अरे हट हट, आराम से रखी जी, आराम से, आराम से रखी जी। जेल से बाहर निकल के नया निकाह करेंगे, नहीं होगा, नया शादी करेंगे तनु के साथ, जैसे मेरा 8 महीना छुपा के रखा, उसको बोलेंगे जानू, जानू राखी जी, राखी जी बोलेंगे जानू तनु, हम मैंने डायवोर्स राखी से लिया नहीं है, इसीलिए हम, मैं शादी तो करता हूँ लेकिन 8-9 महीना छुपा के रखेंगे, तब तक तो उसको कहीं गांव में लेके जाके मार भी डालेगा, उसका सारा प्रॉपर्टी भी ले लेगा। एंड तनु यू डिजर्व दिस, तुमको 100 बार बोला मैंने तनु, मेरा सब कुछ ले लिया,
राखी जी कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? आज गई थी आप कोर्ट? आज कोर्ट गई, क्या हलचल हुआ? शादी की वजह से राखी की भी जान को खतरा हो सकता है? खाना खाने दो भाई, राखी जी को खाना खाने दो। राखी किसी के बाप से डरती नहीं है। क्या बोलो राखी जी? बोलो अगर किसी का साथ देना गलत है तो जिसको जो करना है उसको जो अच्छा लगता है वो करे, साथ देना कुछ गलत नहीं है, सच्चाई के साथ रहना। मेरी उम्र भी मेरी फ्रेंड को लग जाए, मैं ऐसी भी जिंदा लाश कर। और अब तो नहीं, लेकिन मैं एक बीवी बनना चाह रही थी, माँ बनना चाह रही थी, मैं एक बीवी बनना चाह रही थी। उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसने किया मेरा इमोशन, मेरी जिंदगी खराब कर दी। आप झूठा झूठा आई लव यू बोल के शादी करके। राखी, जैसे कि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि आप माँ बनना चाहती थी, क्या आपके और आदिल के बीच में ऐसी बातें हुई थी फैमिली प्लानिंग के बारे में? क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे क्या बातें हुई थी आप लोगों के बीच में? मेरा थोड़ा प्रोडक्ट प्रॉब्लम था तो मेरे डॉक्टर वीना शिंदे ने फैमिली प्लानिंग के लिए मेरा एक छोटा ऑपरेशन किया था। या जो शादी करती है लड़की तो ऑफ कोर्स वो हर चीज का प्लानिंग तो करती है, इट्स वेरी नेचुरल। और जिससे आप इतना बेपनाह प्यार करते हो, जैसे हम सबने देखा है आपको ने इतना प्यार दिया है, मुझे बार बार हमेशा यही कहते थे बेबी करते हैं, फिर पैसे नहीं दिए या कुछ, उसको स्टार नहीं बनाया या फिर उसको एक अवार्ड, बड़े अवार्ड में नहीं लेकर गई। फराह खान से मिला, शाहरुख खान से मिला, सलमान खान से मिला, मुकेश छाबरा से मिला, वरना मैं बेबी नहीं दूंगा। पर आपने तो सलमान खान से मिलवाया था उन्हें दुबई में। राखी, आप एक खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, आप इतनी स्ट्रांग हो, तो आपने पिछले 7 महीने से क्यों इतना जुल्म सहा? तुम लोग की वजह से, मीडिया की वजह से, पब्लिक की वजह से डर गई थी कि बाप रे मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कौन मेरा यकीन मानेगा, कौन मेरा यकीन मानेगा। क्या राखी, आपने इन बातों को अपनी माँ के साथ जिक्र किया था इसका कि आपके साथ ऐसी चीजें हो रही है? तो रोई थी कि क्या कर दिया तूने, ये क्यों अपना धर्म चेंज कर दिया, इसके साथ क्यों शादी करती। मैं बोली माँ मैं प्यार करती हूँ, माँ ये प्यार करते है ना, मेरी माँ कब आके पैर वैर पकड़ लिया था, माँ ने मेरी कहा ठीक है बेटा तूने बहुत जिंदगी में दुख सहे है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। माँ ने आदिल को बोला था कि मत सताना मेरी बेटी को, मत मारना। जब मारा था तभी मैं माँ के पास गई थी, माँ ने बोले ये सब क्या है। माँ को मैंने सब सच बता दिया कि माँ मुझे मारा, माँ बहुत रोई थी, क्या तेरे पिता होते तो शायद ये ऐसी हरकत नहीं करते, तेरे पास कोई ना हो माँ बाप या कोई ना हो, खुदा है राखी, खुदा है, खुदा ने देखा है बाथरूम में कैसे मुझे करके मारा है, खुदा है। राखी, इन सब के पीछे आदिल के अलावा उनके घर वालों का भी कोई हाथ हो? उनके घर वालों को मुझे बताना चाहिए था कि उन्होंने आदिल की पहली शादी करवा दी है, पहले शादी करवा दी है और डाइवोर्स ले लिया है, तो बेटा आप मत करो। मुझे नहीं मालूम, मैं एक जिंदा लाश हूँ, मैं अपना क्या करूं, मैं अपना क्या करूं, मैं एक जिंदा लाश। उनको मालूम कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने दोस्तों का, आगे लेके तुम्हारे लिए हम हमेशा खड़े रहे। शुक्रिया का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यार, जावेद भाई है आपके साथ, हम हमेशा उसके साथ हैं। हम इन लोगों ने एक 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 प्रूफ देखे हैं, बेशर्मी के प्रूफ,
बस अभी मुझे कुछ नहीं। संगीता जी, अगर आपको तो राखी ने सब कुछ बताया था कि उनके साथ इतना सब हो रहा है, कि आप भी उन्हें नहीं समझाया कि उन्हें मीडिया के सामने या कंप्लेंट कर देना चाहिए था पहले? मेरे सीक्रेट्स मैंने किसी को नहीं बताया। आपको पता है ये इतनी मासूम लड़की है, शायद आप लोगों ने इसका ये रूप देखा है। मैंने जो रूप देखा है इतने सालों से, आप लोगों ने शायद ही देखा होगा, इसमें इतनी मासूमियत है, बड़बोली है, चीजों को बोल देती है, इसलिए हम इसको इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये इतनी मासूम है, इसने पूरे हद तक कोशिश की कि चीजें, कौन सी वाइफ नहीं चाहती कि अपनी चीजें अपने आप में खत्म हो जाए। जब पानी सर के ऊपर गुजर गया, जब उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया, उन्होंने कहा मुझे कि हमारे इस्लाम में है कि घर की बात घर में होनी चाहिए, बेडरूम की बात बेडरूम में रहनी चाहिए। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन उनकी, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं करी। मैंने उनको हर चीज माफ करी। हो गया यार, अरे उठिएगा। राखी जी ने वो इंस्टा बॉलीवुड सोहेब भाई को भी कॉल किया, हम दोनों गए इनको अंबानी हॉस्पिटल ले गए रिक्शे से, और वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया और फिर ये अंदर गए थे, हम लोग बाहर ही खड़े थे। तो शायद मारपीट हुआ था, वो मैंने देखा नहीं, बट पता नहीं मेरे को इतना, बट इनको चोट लगी थी ऐसा। उस टाइम पे वो किसी के साथ थे, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था और मुझे, उस टाइम वो बाहर थे, मुंबई में नहीं थे, किसी के साथ थे बाहर। छोटू जी, आपको कैसा लगा? और फिर मेरे को वो पैनिक अटैक आया था और मुझे लोग तुरंत लेकर गए थे, राइट राइट। डॉक्टर ने इंजेक्शन दवाया था ना, रात को आया था, 4 बजे आया था, 4 बजे जवाब क्या राखी जी आपको भाई, मजाक नहीं भाई, नहीं नहीं मेरी जिंदगी का सवाल है, मजाक नहीं। आपने हमें सवाल पूछा उससे, मतलब राखी जी आप हमेशा हम लोग से मिलते हंसते खेलते मिलते, लेकिन आपको दुख नहीं देगा, वही पूछ रहा हूँ। ये भाई आया यार, हम लोग हंसते खेलते रील बनाते, तो हम लोग सुख में साथ देते हैं तो दुख में भी देना चाहिए। तो राखी जी से मिलने आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।